तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप हिबिस्कस फ्लावर में पॉलिनेशन कैसे कर सकते हैं और फिर पॉलिनेशन के बाद सीड्स कैसे पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको जो चीज़ चाहिए वो है इसके लिए कुछ रबड़, मतलब रबड़ बैंड जो होते हैं आपके पास। जितने फ्लावर्स आ रहे हैं, जैसे कि दो आ रहे हैं और दो में पॉलिनेशन करना है तो फिर दो आपको चाहिए रबड़ बैंड। तो अभी मेरा जो ये वाला हिबिस्कस फ्लावर है कल ब्लूम हुआ था और ये थोड़ा सा बंद होने लग गया तो हम इसको यूज़ करेंगे। उसके लिए आपको इसको प्लग कर लेना है एक फ्लावर को आराम से। तो ये जो पेटल्स हैं आपको कुछ काम नहीं आएंगे तो आपको इसका यूज़ करना है, मतलब सॉरी ये पेटल्स काम नहीं आएंगे, स्टिग्मा उसके पोलन ग्रेन्स का यूज़ करना है। आपको क्या करना है, ये ऐसे ऐसे स्लाइटली इस पर ऐसे करना है। नॉर्मल धीरे धीरे करना है, जेंटली, तेज करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। ही इससे भी हम थोड़ा सा रब कर देते हैं। ठीक है, जेंटली करना है। ठीक है, इसके बाद आपको ये रबड़ लेना है कोई भी आपके फ्लावर के साइज का। भी सर्दियाँ स्टार्ट हुई है इसलिए छोटे फ्लावर का साइज है और इसको ऐसे बंद करके ऐसे थोड़ा जेंटली करना है। इसके पेटल बहुत सॉफ्ट होते हैं, एक बार चल जाने के बाद बहुत मुश्किल से होएगा अंदर। हाँ तो अभी हमने ऐसे कर दिया, आपको भी ऐसे करना है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे कर देना है। ठीक है, ये हमने रबड़ इधर लगाया है। तो अभी ये तो हो चुका है, अब हमारे ये एसी अभी पूरा यूज़ नहीं हुआ है तो एसी से अब हम दूसरा भी यूज़ करेंगे, यानी कि इसको भी हम पॉलिनेट कर देंगे तो दो दो सीड पॉट्स हो जाएंगे। तो करते हैं। ठीक है, तो अब ये पेटल से ऐसे पीछे कर लीजिए और फिर ऐसे पकड़ के आप इस पर भी जेंटली ऐसे ऐसे करें, रब करें इसको। मैं बहुत टाइम से करने की सोच रहा था लेकिन अब इस पर अच्छे से दो तीन फ्लावर्स एक साथ आ नहीं रहे थे, लेकिन अभी जैसे ही समर्स स्टार्ट हुए मैंने और से फ्लावर्स आए तो मैंने वीडियो बना दी। हमने इसकी समर केयर पे भी एक वीडियो बनाई है, तब उसको भी ज़रूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एज वेल एज कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छे से करना है। ठीक है, पोलन ग्रेन्स में हो गए। ठीक है, अभी और ही कुछ बर्ड्स भी है जो कि ब्लूम होने वाली है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं अभी तो। और ये जो जैसे कि ये वाला जो फ्लावर है इसका ये वाला हिस्सा तो गिर जाएगा, पेटल्स वाला और स्टिग्मा सब गिर जाएगा रबड़ के साथ, लेकिन अंदर एक सीड पॉट आ जाएगा छोटा सा। और जब वो सीड पॉट आएगा उस पर भी एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे। तो अभी ये पॉलिनेट हो चुका है और उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको साइड में रखते हैं। और ज़्यादा बड़ा रबड़ ना लेना, ढीला पड़ जाता है ना, इसलिए आराम से जेंटली करना है। ठीक है, थोड़ा सा आपसे पीछे जा सके तो आप इसको ले जाना, मेरे को नहीं लगता और पीछे जाएगा, इतना ही होएगा अभी, ये अब हो गया है। तो अभी आपके ये वाला फ्लावर कोई काम का नहीं है, उसको फेंक सकते हैं, फेंक में तो फेंक दिया वो। और ये टाई होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, आपको बीच में से ट्राई करना है, ज़्यादा ऐसे भी यहाँ से फ्लावर गिर जाएगा तो उसको नीचे रख देते हैं ताकि ये नीचे ना गिरे, इधर ही गिरे तो। और ये कुछ डेड लीव्स रहेगी येलो पड़ने में लगी तो इसको आपको रिमूव कर देना है, ये एक टिप है इसके लिए, वरना इसमें फंगस लग जाएगी तो इसको साइड में कर दो। और इसको आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, कुछ करना नहीं है। अब ये वाला ये पार्ट पेटल्स वाला गिर के नीचे गिर जाएंगे दोनों, और यहाँ पर सीड पॉट आएगा तो इतने मोटे मोटे सीड से रहते हैं। फिर हम एक और वीडियो बनाएंगे कि आप इसको सीड से कैसे उगा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी जगह पर उगाएंगे, थोड़े से गार्डन में भी लगाएंगे।
ठीक है। तो हम जब ये लाए थे प्लांट, जब इसमें इतना बड़ा था नहीं, अभी बहुत बड़ा होने लग गया समर से आए, तो हमने इस समर की अलग भी वीडियो बनाई, जैसे कि हमने पहले कहा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप इसको देखना ज़रूर उस वीडियो को। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।